अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिमजी के फैमिली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जर्मनी में ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आप देखें यहाँ पे इस तरह के आपको डिफरेंट हर जगह पत्ते ही पत्ते आपको सब नज़र आएंगे। और यहाँ के ट्रीज़ देखें, ये तो मैं देखकर बहुत हैरान, और इतने खूबसूरत यहाँ के ट्रीज़ हो जाते हैं, इनके कलर्स ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो चले मैं आज आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ऑटम का सीज़न कैसा होता है जर्मनी में। और अक्टूबर में इनका हैलोवीन स्टार्ट हो जाता है, तो जगह जगह इन्होंने इस तरह पम्पकिंस ये डेकोरेट करते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये देखें कितना प्यारा इन लोगों ने सब डेकोरेट किया हुआ है। सैटरडे का दिन है और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। यहाँ पे सब अपनी अपनी टेबल जो है इन पम्पकिन से डेकोरेट कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे अपने पिकनिक के लिए आए, ये लोगों ने पम्पकिन से डेकोरेट की हुई है। तो हमने सोचा हम भी अपनी टेबल को डेकोरेट करते हैं। और ये मिराल को और बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये मिराल ने रेड वाला चूज़ किया है। ओके ये हमारा पिकनिक बैग है। फाइनली अब सबको भूख लग रही है यहाँ पर बहुत, तो अभी हम अनपैक करते हैं। हम सारी अपना जब भी साथ जाते हैं तो अपना खाना अपने साथ लेकर जाते हैं। मिराल क्या कर रहे हो आप, ऐसे डेकोरेट करना है। ये मैं घर से बिरयानी बना के लेके आई थी, बच्चों के लिए रायता, बिरयानी, कॉफ़ी और ये शीज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। तो चलें अब हम अपनी पिकनिक स्टार्ट करते हैं, हम सबको बहुत भूख लग रही है अभी। और यहाँ मिराल ने अचानक से अपनी फ्रेंड को ढूंढ लिया है, ये हमारे घर के पास ही रहती है, तो मिराल और शिज़ा को मिल गई और ये बड़ा एक्साइटेड हो रही है। व्हाइट क्या है शिज़ा? इस तरह के पम्पकिंस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं पम्पकिंस की। और अब ये बच्चों की चीखें शुरू होने वाली हैं और ये इनका गेम स्टार्ट होने लगा है। चलो मेराल, चलो 1 2 3। और इनको देखिए हमें अपना बचपन याद आ रहा है, हम भी ऐसे बचपन में झूलों में बैठते थे, शोर मचाते थे। मामा,
चलो ओके अल्लाह हाफिज़।